हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पोसालिया समीपवर्ती पालदी एम में घायल नंदी को भेजा गौशाला। समीपवर्ती पालदी एम ब्रह्मपुरी में एक नंदी खूर पका मुंह पका की बीमारी का शिकार होने के कारण घायल अवस्था में पड़ा था। स्थानीय गौभक्त गोपाल महाराज द्वारा ओम श्री गजानन सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीना को सूचना दी। कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने मिलकर उपचार करवाया गया। करीब 9 दिन तक गांव में ही उपचार करवाते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उसे गौशाला पहुंचाना ही उचित समझा। पशु एम्बुलेंस ना मिलने के कारण काफी समय बीत गया था। 4-लाइन हाईवे पर जब भी हादसे होते हैं तो उन्हें तुरंत ही गौशाला पहुंचाना पड़ता है, लेकिन गांव में कार्यकर्ता देख रेख करते रहते हैं। ऐसे में वहाँ रख कर भी उपचार कभी कभार उपचार करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पर शवनों खतरा भी मंडरा रहता है। सभी ने मिलकर घायल नंदी को गौशाला पहुँचाने के लिए निजी वाहन को सूचना दी गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं ने उसे वाहन में चढ़ाकर घायल नंदी को गौशाला पहुँचाया, जहाँ उसका उपचार शुरू किया जाएगा। इस दौरान पूर्णा शंकर दवे, गौ भक्त प्रकाश दवे, रमेश सुथार, मनसा राम घाची, गोपाल रावल, भैरू सिंह तवर, नेपाल सिंह देवड़ा, अशोक कुमार, रमेश बोराणा, छगन रावल, सरवन हिरगर, थाना नाम सरवन बागरी, हार्दिक रावल आदि मौजूद रहे, जिसने पूर्णा शंकर दवे द्वारा पशु एम्बुलेंस के अभाव में घायल पशुओं को परलाई पांजरा पोल गौशाला पहुंचाने हेतु किराए की व्यवस्था की गई। सदस्य मीना ने दवे का आभार व्यक्त करते हुए सभी गौ भक्तों को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने बताया एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वक्त गांव में खुर पका मुंह पका जैसी पशुओं में बीमारी फैल रही है। कई पशु बीमार पड़े हैं तो कई घायल अवस्था में लहूलुहान हालत में पैरों में कीड़े पड़े हुए मिल रहे हैं। दवाई हमारे पास ही रखते हैं, जहां मिलते हैं वहां उपचार कर देते हैं, और पशु कंपाउंडर की मदद से गांव में ही उपचार किया जा रहा है। पर कोई अधिक घायल होने के कारण अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है, उन्हें गौशाला ही पहुंचाना पड़ता है, तो पशु एम्बुलेंस का अभाव है। ऐसे में किराए के वाहनों से ही गौशाला पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अभी तक पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।